सफलता सुबह की तरह होती है, सोने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो मेहनत करते रहिए, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से समझेंगे ज्योतिष में सबसे ज्यादा शुभ माने जाने वाले बृहस्पति ग्रह की वजह से अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं सरल मंत्रों का प्रयोग करके, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 1 अगस्त 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 3:28 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 10:24 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का क्या स्थान है और इसका प्रभाव क्या होता है। पंडित जी, बृहस्पति को बहुत शुभ ग्रह माना जाता है, तो ज्योतिष में इसका क्या स्थान है और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे पवित्र माना जाता है, इसका स्थान ऐसा क्यों है और इसके प्रभाव क्या हैं? देखिए, नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं। मंत्री तो है ही, लेकिन नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। पीला रंग, सोना, वित्त और कोष, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। आपके शरीर में आपका पाचन तंत्र, आपकी मेदा यानी आपका मोटापा और आयु की अवधि को बृहस्पति निर्धारित करता है। जो 5 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसमें ये आकाश तत्व का अधिपति है, इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा व्यापक है और बहुत ही ज्यादा विराट है। बृहस्पति का प्रभाव सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं के जीवन में बृहस्पति विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी लेता है, यानी महिलाओं का विवाह कैसा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा, ये तमाम बातें बृहस्पति डिसाइड करता है। महिलाओं के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति माना जाता है, और पुरुष के जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर से आपके जीवन में ईश्वर की कृपा कितनी होगी और कैसी होगी, ये बृहस्पति बताता है। अभी वक्त हो गया है राशियों का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है,
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम मिलेगा, आकस्मिक रूप से धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान शिव को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर बृहस्पति ग्रह की वजह से आपके जीवन में परेशानी है तो कैसे विशेष मंत्रों का प्रयोग करके आप उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। पंडित जी से इस पर विस्तार से बात कर रहे हैं। पंडित जी, अगर बृहस्पति की वजह से परेशानी होने लगे तो किस तरह की परेशानी अमूमन होती है लोगों को, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए? अगर आपके ऊपर बृहस्पति का बुरा असर पड़ने लगे तो क्या होगा? बृहस्पति के कमजोर होने से या गड़बड़ होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। बृहस्पति का मतलब आपके जीवन की शुभता है, आपके जीवन का संस्कार है वो कमजोर हो जाता है। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है और व्यक्ति को अपने बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाता। व्यक्ति का पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। कैंसर और लीवर की सारी गंभीर बीमारियां बृहस्पति देता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ परिणाम देने लगे तो या तो संतान होती नहीं, और अगर संतान होती है तो संतान पक्ष की समस्या भी परेशान करना शुरू कर देती है। और ज्यादा निगेटिव हुआ बृहस्पति तो संतान नहीं होती। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए, बृहस्पति सप्तम भाव में स्वयं बैठ जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। शास्त्र कहता है कि शनि की अशुभ स्थिति से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण
बहुत कठिन होता है। कारण इसका यह है कि बृहस्पति गुरु है, अगर बिगड़ गया तो आपके बचने की उम्मीद कम हो जाएगी, या बृहस्पति की मारक क्षमता ज्यादा है, आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देगा। अब बात कर्क राशि की, चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की, सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, मन अच्छा बना रहेगा, परिवार के तनाव कम होते जाएंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल लेने से पहले आपको बता दें कि आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में हम पंडित जी से जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखें, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है वो बताते हैं। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें, यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न सुमति जी ने हमें लिखा है और सुमति जी हमें अमृतसर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 दिसंबर 1973 शाम के 5:15 और जन्म का स्थान है भटिंडा, पंजाब। मेल लिखती हैं अमृतसर से। सुमति जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं चल रहा है और तमाम इलाज कराने के बावजूद कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं बनी रहती हैं, क्या उपाय करूं जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं? सुमति जी, अभी मार्च 2025 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए,
मार्च 2025 तक अभी आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर नहीं है और इसके बाद से आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। हड्डियों का, नसों का और न्यूरो प्रॉब्लम का आपको ज्यादा ध्यान देना है। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहन लें। रोज शाम को शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका रोज शाम को पाठ करें, आपको लाभ होगा। अगर बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए पंडित जी? बृहस्पति देव की पूजा आराधना कैसे करें लोग कि उससे संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए? अब मान लिया आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, तो क्या उपाय किया जाए, कैसे बृहस्पति देव की पूजा की जाए कि बृहस्पति से हमें अशुभ परिणाम ना मिलें? देखिए, बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिएगा। बृहस्पति देव के चित्र के सामने या केले के पौधे के सामने बैठिएगा। धूप बत्ती जलाइए, घी का एक दीपक जलाइए। इसके बाद चने की दाल और गुड़ का भोग लगाइएगा। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करिएगा। और जो आप बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करेंगे वो हल्दी की माला से करें या रुद्राक्ष की माला से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आप अगर बृहस्पति की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार को पीली वस्तुएं खाइएगा सूर्यास्त के पहले। नमक का सेवन मत करिएगा, बेसन का प्रयोग करें, चने की दाल का प्रयोग करें, बेसन की रोटी खा लें, बेसन का हलवा खा लें, लेकिन नमक का प्रयोग नहीं करेंगे। पीले फल या पीली वस्तुओं का आहार ग्रहण करिएगा। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में सावधानी रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है?
धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। आज हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह की वजह से अगर जीवन में परेशानी है तो आप क्या विशेष प्रयोग कर सकते हैं, कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पंडित जी, बृहस्पति से संबंधित मंत्रों का जाप किन स्थितियों में करना चाहिए ताकि उससे फायदा हो। अब आपको बताते हैं बृहस्पति के अलग अलग मंत्रों के बारे में। कौन सी स्थिति जीवन में बृहस्पति की वजह से गड़बड़ है और उसे बेहतर करने के लिए किन मंत्रों का जप करें, आइए आपको बताते हैं। अगर आपको सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा चाहिए, सामान्य रूप से बृहस्पति की कृपा बनी रहे, तब ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सामान्य रूप से बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की समस्या हो, लिवर की दिक्कत हो, कैंसर का शुभहा हो, कैंसरस संभावनाएं हो, तब क्या करेंगे? तब मंत्र पढ़ेंगे ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप आप रोज सुबह शाम करिए। अगर आपको बृहस्पति की वजह से कोई बीमारी हो गई हो, अगर किसी व्यक्ति के संस्कार कमजोर हो, उसे ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं हो रहा हो या वो गलत रास्ते पे जा रहा हो, संस्कारों की दिक्कत है, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में ओम देव पूजिताय नमः, ओम देव पूजिताय नमः, इस मंत्र का सुबह के समय जप करिए। ये मंत्र अगर आप निरंतर जपें तो निश्चित रूप से आपके संस्कार बेहतर होंगे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर बृहस्पति की वजह से आपको संतान नहीं हो पा रही है, या संतान तो है लेकिन संतान की तरफ से कष्ट है, तो क्या उपाय करेंगे? तब आप बृहस्पति गायत्री का जप करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्, ओम आंगी रसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्, इस मंत्र का रोज सवेरे अगर आप 3 माला जप कर लें, रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से, तो आपका कल्याण होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, ऐसा क्यों? देखिए, बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति ग्रह का दिन माना जाता है और इस दिन को बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं। इस दिन घर में पूजा पाठ करना, मंदिरों में दर्शन करना शुभ होता है।
चूंकि इस दिन को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन ना करें। वैसे तो कभी ना करें, लेकिन कोशिश करें कि बृहस्पतिवार को तामसिक आहार का सेवन ना किया जाए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति ग्रह की वजह से अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो कैसे आप बृहस्पति ग्रह से शुभ फल पा सकते हैं। पंडित जी, अगर किसी महिला के जीवन में बृहस्पति ग्रह की वजह से परेशानी है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो उन्हें बृहस्पति देव की पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए? देखिए, बृहस्पति नियंत्रित होते हैं भगवान शिव से, इसीलिए अगर किसी महिला के वैवाहिक जीवन में समस्या है तो उस महिला को नियमित रूप से अधिक नमः शिवाय का जप करना चाहिए और सोमवार का उपवास रख करके भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। कोई भी महिला अगर ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करेगी, उसका बृहस्पति अपने आप बेहतर होगा और वैवाहिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा पर विशेष ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी, इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, परिवार में विवादों से बचाव करें, अभी परिवर्तन से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी, आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी बनाए रखें। नंबर 7,
वाहन सावधानी से चलाएंगे। नंबर 8, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव को चंदन अर्पित करिएगा, इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपके आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अगला प्रश्न विजेता जी ने हमें लिखा है और विजेता जी हमें अहमदाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1994। जन्म का समय शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। ये कह रही हैं कि मैं अभी अहमदाबाद में नौकरी कर रही हूँ और मैं नौकरी बदल करके दिल्ली या दिल्ली के आसपास आना चाहती हूँ, तो ऐसा कब हो सकता है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? विजेता, आपकी कुंडली में इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी नौकरी बदलने का और आपके स्थान बदलने का योग चल रहा है। आप कोशिश करके इस साल के अंत में निश्चित रूप से दिल्ली NCR के पास आ सकती हैं। आप 2 उपाय करिए। रोज सुबह हनुमान जी के मंत्र का 108 बार जप करिए। ओम नमो भगवते राम दूताय, इस मंत्र का रोज सुबह जप करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से आपको लाभ होगा। अब वक्त है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खा करके घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो अपने पास एक पीला फूल रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है, तो हल्दी का तिलक लगा कर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज तो पीले रंग का रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा मिथुन राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी,
धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ की संभावना बनेगी। आज का दिन मंगलमय होगा, सिंह राशि वालों के लिए धन लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, काम की रुकावटें दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि वालों को, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं और तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।